लो जी 12:30 वाली चाय, 12:30 अब इसके बाद मिलेगी 3:15 बजे। हाँ भाई चलते फिर, अभी शाम को भी है ना चाचा मिशन, शाम को है प्रोग्राम, अभी तो आधा ही हुआ कंप्लीट। क्या बन रही है भैया कल्याण रोटी? तो दीदी बना रही है यहाँ रोटी, देखिए चूल्हे में बन रही है शानदार रोटी। लोग में हण बोल दी बल, तुम वीडियो ही बना दो, काम नहीं करता बल। अच्छे माँ जी जरा तू दे स्पष्टीकरण। ये है बढ़िया, बढ़िया किसकी है? आप सभी को सादर नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस सुंदर पर्वतीय अंचल से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और साथ ही ये भी आशा करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे अपने पूरे पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रसन्नता और आनंद पूर्वक होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है प्रातःकालीन मौसम में, आप देख सकते हैं धूप आ चुकी है और हमारे पहाड़ में आते ही आसमान में बादल भी आने लग गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि क्या पता एक दो दिन में बारिश हो जाए। तो चलिए किचन में देखते हैं आज क्या बन रहा है। सुबह की कल्याण रोटी, कल्याण रोटी क्या बन रही है भैया कल्याण रोटी? तो दीदी बना रही है यहाँ रोटी, देखिए चूल्हे में बन रही है शानदार रोटियाँ। गेहूँ की चिकी डबोने, अच्छा तो ये है मंडवे की और गेहूँ की मिक्स रोटी, और साथ ही साथ आग भी तापते रहो। अम्मा जी बना रही हैं उधर मूली की सब्जी, मूली की मूला की ये है हमारे माल्टे का पेड़, और इसमें जा रखे हैं बेल। किस चीज़ की बेल? मिठे करेले की, और छीमी हो गई। ओ क्या चीज़, गींठ है? गींठ तो ताल लग दी जान जाड़। अच्छा मैं भी लगन बैठ गई थी, अच्छा अच्छा ये है देखो कंद है ये। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने घर के बैक साइड में, और यहाँ से बंदर और लंगूरों का अटैक होता है दोपहर में, एकदम से धावा बोलते हैं, माल्टे ले जा रहे हैं उठा उठा। ये देखिए माल्टे तो अच्छे लग रखे हैं यहाँ, और ये जो सूखी बेल है हमको ये निकालनी है पेड़ से सारी, कांडा बिछिए पर पूरा नजदीक हो गया। ये देखिए इस पर कितनी सारी छीनी लगी हुई है, देख रहे शानदार। तो इनको तोड़ा जाएगा और फिर दाल बनाई जाएगी और सब्जी भी। पिताजी और जिया जी और मैं, तीन लोग अभी यहाँ पर काम पे लगे हैं, अभी नाश्ता नहीं किया हमने सुबह का। अभी मैं आ गया हूँ अपने घर की छत में, ये देखिए बहुत हाइट है यहाँ की, डर भी लगता है नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ से तो क्या खतरनाक लग रहा है नीचे। तो यहाँ से जो है ना इस छत से हमारे पूरे गांव का 360 डिग्री का व्यू दिखता है पूरा गोल चक्कर में। मैं दिखाता हूँ आपको फटाफट, ये देखिए यहाँ से शुरू होता है और ये देखिए सुंदर सा दृश्य पहाड़ों का। धूप आ रही है अभी तो इस वजह से उस हिस्से में काला हो रखा भी, और ये सामने अल्मोड़ा की सीमा, और ये हमारा गांव, और ये देखिए फिर घूम फिर करके हम इधर आ गए पीछे। तो ये आ गया हमारा सुबह का नाश्ता, रोटियां रखी हैं, देखिए इन पर राख भी लग रखी है क्योंकि चूल्हे में बनी हुई है ना, और ये है बड़ा गिलास, उत्तराखंड का पारंपरिक गिलास है ये। देखिए इसके जो सिरे हैं ना ऊपर के मुड़े हुए नहीं है, जो नए गिलास आते हैं उनके मुड़े हुए रहते हैं, बिल्कुल पहने होते हैं। और ये है मूली और छीमी की सब्ज़ी, और मक्खन की कटोरी में माँ जी ने वो रख दी थी सब्ज़ी, तो मक्खन भी जम रखा है किनारे से। तो चलिए अब हम इसका लेते हैं स्वाद और मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। सुबह जो आसमान में बादल थे अब वो पूरी तरह से छंट चुके हैं और आसमान भी साफ़ हो चुका है, और ये देखिए आंगन में हमारे ये हैं बढ़िया। बढ़िया किसकी हैं? पहाड़ी ककड़ी की और उसकी उड़द की दाल की। तो यदि आप भी इनको अपने घर में बनाना चाहते हैं
तो आप बना सकते हैं। इसकी पूरी विधि मैंने अभी 3-4 दिन पहले YouTube पर वीडियो पोस्ट करके बताई है कि किस तरह से इनको बनाते हैं, किस तरह से सुखाते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो ये देखिए, आप ये सूखेंगे ना जब, अभी तो ये बिल्कुल चिपक रखे हैं क्योंकि अभी गीले हैं अंदर से। जब ये सूख जाएंगे तो अपने आप ही इससे छिटक जाएंगे, फिर इनको कलेक्ट करके और हम रख लेंगे एक बर्तन में बिल्कुल एयर टाइट। और सर्दियों में जब भोजन की कमी हो जाती है ना, भोजन की मतलब सब्जियों की, तो उस समय इसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, शानदार। करो तो यहाँ मेरी माँ जी ने काट दिया भीमल। सरे लगुल निकाल दे मतिल। हाँ भाई, ये तो छह बात गजब। तो इसको ले जाया जाएगा अब गौशाला में। माँ जी ने भीमल भी काट दिया और जो बेल थी हरी वो भी काट दी। और जिया जी भी नॉन स्टॉप काम पे लगे हुए भाई सुबह से, बहुत अच्छी बात है। लोग में बोल दी बल तुम वीडियो ही बना दो, काम नहीं कर दो बल। अच्छे माँ जी जरा तू दे दे स्पष्टीकरण। क्या यार माँ जी मैं काम नहीं करूँ, वीडियो ही बना दी। मैं वीडियो भी बनाता हूँ और काम भी करता हूँ, है ना। और अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो इन लोगों का काम भी कहाँ से दिखेगा कि ये लोग काम कर रहे हैं भाई यहाँ इतने सारे लोग। तो अभी मैं इसको ले जा रहा हूँ गौशाला में गायों के लिए। गायों को भीतर बांधना है, धूप बहुत तेज़ हो रही है इस समय, तो अब दिन भर गायें अंदर रहेंगी, फिर उनको 2:30-3 बजे निकालेंगे बाहर। तो अभी हम जा रहे हैं घास लेके गौशाला में। दोनों भांजे भी आ रहे हैं, पिताजी भी हैं साथ में, और एक गायों के लिए पानी भी ले जाना है भाई। जितनी बार गौशाला में आओ एक एक डिब्बा पानी भर के रिजर्व करके रखते हैं। अरे अरे डर क्यों रहे, डर क्यों रहे हो तुम? इसको अखिल तू ऊपर रख दे, मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ। घास आ गई घास। अरे 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 कितना चौंकन्ना हो रखा है, क्या है? पता नहीं पहचान रही होगी मुझे इतने दिन में। अरे कोई कुछ नहीं कर रहा भाई, तू इतना डर क्यों रही है? तुम्हारे को देख के कर रहा हो, बोल गए नहीं कहाँ से आ गए भैया यहाँ। दूसरा डब्बा भी लाओ, दे इधर दे। कामिनी दामिनी कैसे हो बच्चे? गौ माता है हमारी, गौ माता। और ये है सबसे छोटा सदस्य इस परिवार का। कुछ कुछ अगले महीने तो बड़ा हो जाएगा भाई, सीनियर हो जाएगा, तो जब एक छोटी और भुल्ले आ जाएगी ना यहाँ, है ना। तो कई सालों के बाद भैया ये मुर्गा देखने को मिल रहा है यहाँ अपने गांव में, कच्चे नरे। आजा ठीक हो, सामने दिख रहा है हमारा घर ये वाला, और वहाँ से आते हैं हम यहाँ अपनी गौशाला में, और यहाँ से चल के अभी हम पहुँचेंगे अपने गांव के नल पे। नल से लाएगा भांजा 2 डिब्बे पानी भर के। हाँ मस्त ठीक से। अच्छा अच्छा मैं देखने आऊँ अभी सुबह रह के जा। अच्छा हाँ, तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने गांव में। बहुत बढ़िया धूप लग रही है। ये मेरे चाचा जी और मौसी जी का घर है, आप देख सकते हैं उत्तराखंड का ग्रामीण जीवन। और यहाँ भर रहे हैं हम अभी पानी, और ये पानी जाएगा फिर गौशाला में। भर दिया भांजे? ना भर रहा हूँ, भर रहा। अच्छा अच्छा पानी भी ना। हाँ तो एक बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है हमारा गांव। ये देखिए वहाँ दूर दूर तक जंगल के पास भी घर हैं लोगों के, और ये पूरा हमारे गाँव का क्षेत्र है यहाँ से फैला हुआ। ये ऊपर सतगरिया, सीमा खोली, छुला डांड, पलथरियों डांड, औजण सब इसी में आता है। ये वाली घोड़ी हमारी यहाँ अकेले रहती है। उन नीचे दीदी मरको गए नीचे ना, मना करने आता बहुत सीधी साधी है। स्मार्ट गाय है, स्मार्ट गाय। आदि कामिनी, वो कामिनी आओ चल खा ले, तो अब हम जा रहे हैं। ठीक है तो अब गायों को भी भीतर बांध लिया है। पिताजी भी आए हैं गौशाला में, दीदी भी घास लेके आए थे जो बेल काटी थी ना हमने, और फिर गांव से हम पानी भी लाए नल से, तो
इनके लिए संरक्षित करके रख दिया है यहाँ पे पानी। तो इसी डिब्बे में से देते हैं हम इनको पानी, जो एक बड़ा सा डिब्बा रखा है नीले रंग का। चले भांजे अब घर की ओर, चलो आ जाओ। तो ये है गर्म पानी की केतली, जो काम करेंगे उनको पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है भाई। पिलावा पहल पीना नीवत पानी, नीवत नीवत ले दी ले मैं तो दो गिलास दे दे, तो पानी कम पी बहुत कम। ले दी गिलास ज़्यादा गर्म नहीं हो, ठीक है माँ जब बैठे पीने पैन हाँ अगर भुंडा दुगरी पल हाँ भैया तो ठीक बोलो तो लिया सो पी पी लिया पाए लिया तेज पी लिया गर्म। चाचा जी देखो इसको काट के ले आए, इतने बड़े उसको हंगरे को उसका है ये पहिया का है नहीं पहिया का ना है हथियार भैया यहाँ के पहाड़ों की कुल्हाड़ी अभी शाम को भी है ना चाचा मिशन, अभी तो आधा ही हुआ कंप्लीट, मिशन कंप्लीट थोड़ी हुआ अभी, ब्रेक के बाद ब्रेक चाय ब्रेक ठंडे पानी का गर्म पानी का गर्म पानी नहीं पीते कुमर लग गए क्या बजा में बड़े हैं आपके गर्म है ना सही है। मेरे माँ जी ओ भीमल के पेड़ में चढ़ के आज ही सर भ्यू काट देना मतिल तो ऊकण तो आज ही हुए जान बगवाल तब गौड़ा बचरों कण ये जो भीमल का पेड़ काट रही है ना माँ इसकी वजह से शाम को यहाँ पे छाया आ जाती है हमारे घर में जहाँ पे हम धूप सेकते हैं यहाँ पर, तो इस वजह से माँ जी उसके पत्तों को काट रही है पूरी तरह से जिससे कि यहाँ पर 10-15 मिनट धूप और बढ़ जाएगी। खाना नहीं बनाना दीदी आज तक, आज तो देश दयाल ही बनाओ है दयाल तुम्हारे घर दाल खाई नहीं रोज घर दाल नहीं। ये देखो ये है भैया हमारी असली पूंजी, इसमें है गीठी, इसमें है तड़ू, इसमें है छीमी, इसमें है माल्टा। ये लो जी 12:30 वाली चाय, अब इसके बाद मिलेगी 3:15 बजे। इसका टेस्ट भी बताना है चाचा कैसा है, सही है कि नहीं है, तब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ना आगे। ले दी दे रहा है दाल ले आप दे क्या चाय, अरे कितनी चाय चला रहे हो चाय तो दिन मर्च ना खैर भी जाएंगे और काम कर दे माँ जी ले यूँ तो नहीं देना बन जाऊँ बाढ़ जाने पियेंगे चाय काम भी कम करना काम कम कर रहे हैं तो चाय नहीं मिलेगी तुमको ना 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 ले मैं ये बड़ा गिलास पकड़ हाँ हाँ ये बन जाता चल बस जी मेरी माँ को चाहिए फुल गिलास हाफ गिलास से नहीं चलता भाई काम काम के तो लोग हैं पहाड़ के इन्होंने तो पहाड़ को पहाड़ बना के रखा है अरे अखबार जो यहाँ कभी। एक घंटे पहले चाय पी और अब हमने दोपहर का भोजन भी कर लिया है, आज पहाड़ी दाल ना बना करके अरहर और मलका बनाई थी, चावल थे, मूली हैं पहाड़ी मूली सलाद में, तो उन सबको खा करके पेट हो गया है बिल्कुल टन। और अब हम सेकेंगे यहाँ पर धूप 3 या 3:15 बजे तक, और उसके बाद फिर या तो कमरे में पैक हो जाओ या फिर कहीं घूमने के लिए निकल जाओ। तो इस ब्लॉग को कर रहे हैं हम यहीं पर समाप्त, आप हमारे चैनल के वीडियोज़ लगातार देख रहे हैं इसके लिए आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड जय देवभूमि।